हम सब ने कथा सुनी है, जब पार्वती माता ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था तब उन्होंने एक वालू की जो शिवलिंग थी वो बना के उन्होंने सब ध्यान धारणा करके शिव जी को प्रसन्न किया था। और उसके बाद उन्होंने जब मतलब उसकी उनकी उपासना हो गई उसके बाद उन्होंने नदी में विसर्जित कर दिया था। जब ये कथा हम सुनते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि यार हमारे घर में भी भगवान की फोटो मूर्ति है तो उसको हम विसर्जित पानी में करें। बात तो सही है, लेकिन क्या हम ये देख सकते हैं कि पार्वती माता ने जो शिव जी की पिंड बनाई थी वो मिट्टी की थी? ओके, एंड वो इजीली डिजॉल्व हो सकती थी नदी में या समंदर में, और उसके बाद वो हार्मफुल भी नहीं थी नेचर को। बट आज हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं भगवान की फोटो मूर्ति वो किससे बना रहे हैं? कभी कभी तो मेरे पास जो मूर्तिज जो आती है वो चीनी माती की मतलब ना चीनी माती एंड प्लास्टिक मिक्स रहता है, तो हम लोग भी सोचते हैं यार इसे डिस्पोज भी कैसे किया जाए। तो बट ऑब्वियसली हम इसके पूरी पाउडर बना के अलग अलग फॉर्म में वर्क हो जाता है उसका। तो ये स्टोरी बताने के पीछे यही रीज़न है कि आधुनिकता हम लोगों ने लाई है, मतलब यू नो प्लास्टिक में या फिर मेटल में या फिर चीनी माती POPs या फिर अलग कोई और फॉर्म, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्म में हम लोगों ने भगवान की फोटो मूर्ति देखी है। तो अगर ये आधुनिकता हम लोग ला रहे हैं तो इसे अच्छी तरीके से मतलब भगवान की कोई भी तरीके की अवहेलना ना हो पाए इस तरीके से उसको विघटन करना ज़रूरी है। तो बस यही काम हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हो या फिर आपके घर में भी ऐसी कुछ भगवान की फ़ोटो तस्वीरें मूर्तिज है जिसको आप अच्छी तरीके से विघटित करना चाहते हो तो आप संपूर्णम सेवा फाउंडेशन को कॉल कीजिए और यस आवर टीम विल कॉन्टैक्ट विथ यू एंड आपको आगे की प्रोसीजर बता सकते हैं।